बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई फ़्लाइट के हवाले से कि बेसिकली यहाँ पे होता क्या है या फिर क्या होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने दुबई का वीज़ा ले रखा है, आप टिकट आपने लेना है या फिर आपने ले रखा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप लोग सर्च करते होंगे कि दुबई की फ़्लाइट्स बंद हो रही हैं या फिर फ्यूचर में बंद होंगी, इस मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ में। ये चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो आपको बहुत सी सोशल मीडिया में वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें ये बताया गया है कि दुबई की फ़्लाइट्स बंद हो चुकी हैं या फिर दुबई 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या फिर 5 दिन के बाद फ़्लाइट्स बंद करने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले देखा जाए तो मैं आपको बताता चलूं कि दुबई में जो कोरोना का केस सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो है वो एक ही सामने आया है, वो भी अफ्रीकन लेडी थी और उसके साथ मिलने वाले सब जितने भी लोग थे उनको क्वारंटीना करवा दिया गया है। अब इस चीज़ को देखकर अगर नोट किया जाए, इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के अभी हालात काफ़ी बेटर हैं और दुबई को जो है वो अभी ब्लैक लिस्ट या कुछ भी फ़्लाइट्स किसी भी कंट्री ने ना तो दुबई की फ़्लाइट्स को बंद किया है और ना ही दुबई ने ऐसा कोई कदम उठाने का सोचा है कि वो फ़िलहाल किसी मुल्क की भी फ़्लाइट बंद करेगा। ये अगर आप लोग आना चाहते हो तो बिला झिझक आप अप्लाई कर सकते हो, आ सकते हो, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह अभी फ़्लाइट बंद नहीं होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।